गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत। यह है नया पाल हजीरा से उमरा वाला ब्रिज जो रिसेंटली ओपन हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी और स्मूथ हो गई है सिटी के दो पार्ट के बीच में। बहुत सालों से अप्रूव था लेकिन कुछ स्टे था। तो ये सामने जो दिख रहा है ये वाला पाल एरिया है, सामने जो दिख रहा है वो, दिस इज तापी रिवर। सामने दिख रहा है वो केबल ब्रिज है, इसके पहले वो ओपन हुआ था, उसके बाद जस्ट लास्ट ये रिसेंटली ओपन हुआ है। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सूरत मेनली बीच में से ये रिवर है तापी, और दो साइड बसा हुआ है, ओल्ड सिटी और न्यू पार्ट सूरत वो साइड है, और आधा सूरत ये साइड है। मोस्टली रेसिडेंशियल ये साइड है सामने की साइड, और कॉमर्शियल और रेलवे स्टेशन वो सब वो साइड है। तो जैसे मॉर्निंग में हुआ तो रश रहता है यहाँ से वो साइड, और इवनिंग में वहाँ से ये साइड। तो पहले क्या था कि वो जो केबल ब्रिज दिख रहा है उसके पहले सिर्फ एक ही ब्रिज था, सरदार ब्रिज, वहाँ पे ट्रैफिक हुआ करता था क्योंकि सब एक साथ इतने सारे लोग वो साइड जा रहे थे सुबह सुबह ऑफिसेस के लिए, तो पूरा रश हो जाता था और सरदार ब्रिज पे 10 से 15 मिनट का ट्रैफिक जाम होता ही होता था। आप ये साइड देखें तो आप राइट साइड में पाल, और ये साइड से आप इच्छापुर जा सकते हो। तो बात यह है कि पहले सरदार ब्रिज एक ही था जो मेन कनेक्टिविटी था, तो सारी मतलब सुबह 9 से लेके 10:30 तक ऑफिस के वजह से सरदार ब्रिज पे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का जाम लगा रहता था। उसके बाद एसएमसी ने बीच वाला केबल ब्रिज ओपन किया तो जो ट्रैफिक था वो बढ़ गया दो पार्ट में। उसके बाद वही सरदार ब्रिज जो पुराना ब्रिज है उसको भी चौड़ा किया, उसमें अलग अलग एक सिंगल लेन भी डाली, और लास्ट में ये वाला ब्रिज जो काफी टाइम से स्टे के वजह से रुका हुआ था काम, वो भी अप्रूव होके ओपन हो गया। टोटली जो पूरा ट्रैफिक सरदार ब्रिज से जाता था वो बट गया अभी मेन ये तीन ब्रिज में, सरदार ब्रिज, केबल ब्रिज और ये उमरा वाला ब्रिज, और इससे एकदम ट्रैफिक बिल्कुल ही स्मूथ हो गया। क्योंकि जिसको सिटी के ये साइड जाना है वो उमरा से चला जाए, बीच वाले पार्ट में जाना है वो केबल ब्रिज से चला जाए, और जिसको उदना साइड, उदना दरवाजा या स्टेशन साइड जाना है वही अभी बचे सरदार ब्रिज जाने के लिए। तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया तीन हिस्सों में। टोटल हम देखे ये रिवर पे कितने ब्रिजेस है जो कनेक्ट करते हैं सिटी को, लास्ट से वो साइड शुरू करें तो जहांगीरपुरा पे एक ब्रिज है जो अमरोली में उतरता है, तो वो तापी रिवर पे वो साइड का फर्स्ट ब्रिज हो गया। सेकंड हो गया बीच में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिज, वो भी है, वो भी बहुत ही स्मूथ कर दिया है, क्योंकि उसके ओपन होने के बाद स्टेशन जाने वाली जो पब्लिक थी, जो चौटा और ओल्ड सिटी और ये रिंग रोड होके जाती थी सरदार ब्रिज से, वो बट गई पूरा चंद्रशेखर आज़ाद पे। तो स्टेशन वाला जो जाने वाला क्राउड था, ट्रैफिक था, उसका भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो वो वाला ब्रिज है चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद ये साइड आ जाए हम तो मेन चौटा वाला ब्रिज आएगा। उसके बाद एक है मकई पुल है जो ओल्ड सिटी के अंदर डायरेक्ट जाना है तो उसके लिए है। इसके बाद आएगा सरदार ब्रिज, उसके बाद आएगा केबल ब्रिज, और ये लास्ट में पाल उमरा ब्रिज। तो टोटल कतारगाम अमरोली 1, चंद्रशेखर 2, चौटा 3, मकई 4, 5 केबल ब्रिज, सरदार ब्रिज, 6 केबल ब्रिज, और 7 ब्रिज कनेक्टिविटी हो गया है, जो पहले मतलब दो साल पहले तक हुआ करता था, एक अमरोली वाला, एक हुआ करता था चौटा और ये नानपुर, चौटा और ये सरदार ब्रिज और मकई। टोटल जो 4 ब्रिज थे उसकी जगह अभी इतने ब्रिज हो गए। तो पूरा जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्मूथ हो गया है, और हेड्स ऑफ टू एसएमसी
सूरत का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका मैं मतलब 7-8 साल से अगर देखूं तो इंफ्रा में जो भी कामकाज चल रहा है वो अगर आप देखोगे तो 2 या 3 साल अहेड चल रहा है। मतलब प्लानिंग जो उनका है, जो एरिया क्राउडी होने वाला है वो पहले से ही वहाँ पे ये लोग इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ये गौरव पथ अभी मैं जा रहा हूँ, ये लास्ट वाला पोर्शन है एंड इट इज़ डेवलपिंग पार्ट ऑफ दिस एरिया। और आप 2-3 साल बाद देखोगे तो ये पूरा जो दिख रहा है ना, दैट विल बी ऑल्सो, ये बीच में आ जाएगा। जैसे अहमदाबाद में सरखेज आ गया और वो साइड भोपाल हो गया, तो ये भी 4-5 साल बाद है ना, क्योंकि ये साइड पूरा भर जाएगा, अर्बन है, सिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये वाला भी पोर्शन भर जाएगा। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी इन लोगों ने अभी से प्लान कर दी है। अभी आपको गौरवपथ इतना मैं कब से आ रहा हूँ खाली दिख रहा है, वजह है क्योंकि इन लोगों ने एडवांस में ये इंफ्रा बिल्ड करके रखा है कि आज से 2-3 साल बाद भी जहाँ पे ये जब ये साइड का एरिया पूरा भर जाएगा तो भी वो लेवल की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक बार आ गए सब लोग, ट्रैफिक हो गया, उसके बाद काम करने में पब्लिक बहुत ही परेशान होती है। बाकी सिटीज़ में आप देखोगे तो यही सीन चल रहा है कि एरिया क्राउडेड हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद लोकल बॉडी डिसाइड करती है कि अभी इसको स्मूथ कैसे करें, एंड देन दे गो फॉर सम ऑप्शंस कि ओवरब्रिज बनाए या अंडरब्रिज बनाए या कुछ भी। लेकिन इस मामले में सूरत है वो वे अहेड है बाकी सब कॉरपोरेशन से, और इनका जो प्लानिंग रहता है वो बहुत ही एडवांस रहता है कि कौन सा एरिया डेवलप होगा, उसको क्या इंफ्रा चाहिए पहले से कर देते हैं, ताकि जब वो एरिया डेवलप हो तो लोगों को इतनी परेशानी ना हो ना। तो ये था थोड़ा बेसिक, ये पाल उमरा जो ब्रिज बना उसकी वजह से क्या है, और थोड़ा सूरत का ओवरव्यू जो लोग मतलब सूरत के नहीं है, सूरत सिटी के, उनके लिए। चलो, थैंक यू।